अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ मैं चने की दाल। उसके लिए लिया मैंने 1 कप चने की दाल। इसको बस धोकर मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी। फिर इसके बघार के लिए लिया है मैंने एक छोटी सी प्याज, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये 1/3 जो है तेल लिया है मैंने। मिर्च, नमक, तेल जो है अपनी मर्जी से ले लें। 1 कप दाल थी, इसको मैंने वॉश कर लिया है और इसमें 4 कप मैंने पानी डाला है। बस इसको बॉयल करने के लिए मैं रख दूँगी मीडियम हीट पे। बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करनी है, मैंने साबुत दाल बनानी है, बिल्कुल गली भी रहेगी और खड़ी खड़ी। अब इसको मैंने कुकर पे रख दिया है पकने के लिए। इसको पूरा बंद ना करें, थोड़ा सा ऐसे खुला ही रहने दें। उधर दाल मैंने गलने के लिए रख दिया है और इधर मैं इसका बघार रेडी कर रही हूँ। पैन को हीट अप किया है लो मीडियम हीट पे। ये प्याज डाला मैंने इसमें, अब प्याज थोड़ा सा लाल हो गया है तो मैं इसमें लहसुन अदरक डाल रही हूँ। ये 3 टमाटर थे, मैंने इसकी प्यूरी बनाया था, अब ये डाल दिया मैंने। इधर दाल जो है बॉयल हो रही है और इधर मसाले बघर रहे हैं। ये हल्दी मिर्च ये शामिल कर दिया, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून नमक। अब इसको लो हीट पे अच्छी तरह से पकने दें। अब इसको मसाले को भून कर रहने दें, जब तक दाल रेडी हो जाएगी फिर इसमें शामिल करना है। उसका पानी नहीं इसमें डालना है, फिर दूसरा पानी डालूंगी और फिर पकाऊंगी। 1/2 कप पानी डाल रही हूँ और इसको कवर कर दूंगी। ये मसाला बिल्कुल भून गया है, अब इसका कुकर मैं ऑफ कर दूंगी। ये दाल गल गई है देखें, तो बस इसको मैं मसाले में डाल रही हूँ, ये पानी नहीं डालूंगी। ये दाल मैंने इसमें से निकाल कर मसाले में डाल दिया, ये पानी मैं फेंक दूंगी। अब इसको कुकर पे मैंने रख दिया है, और 2 कप पानी डाल दूंगी। बस इसका पानी ड्राई होगा, दाल भी गल जाएगी थोड़ा और बस। इसको मीडियम हीट पे थोड़ा पकने दें, पकेगी भी और पानी भी खुश्क हो जाएगा इसका। यहाँ पे नमक टेस्ट कर ले, दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, देखे बिल्कुल गल गई है। तो बस इसका कुकर ऑफ कर दें और गरम गरम नान से खाएं, बहुत अच्छी लगती। ये अफगानी दाल है, मैंने रेस्टोरेंट में खाया था, बहुत अच्छी लग रही थी तो फिर मैंने बनाया है।
बनाइएगा, अच्छी लगेगी। सिंपल सी है ऐसे, लेकिन साबत रहे, बिल्कुल मैशी नहीं बनाना है, फुली फुली सी दाल हो, साबत हो।